स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना है ना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाबू थर्ड नंबर पेज नंबर 135 का शैतान, 135 का जो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी में करवा चुके हैं शैतान, कॉपी में ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। देखो क्या करा बाबू, बाय व्हाट नंबर मस्ट बी इतना भी मल्टीप्लाई टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये कॉपी में क्वेश्चन आपको हो चुका है ना। ठीक है ना, इसका हो चुका बाबू, बाय व्हाट लिस्ट नंबर 216 मस्ट बी डिवाइडेड बाबू, है ना। ठीक है ना, तो बाबू ये डिवाइडेड वाला भी करवा चुके हैं। नेक्स्ट बाबू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इसका, इसका स्क्वायर रूट निकालने का बाबू। ठीक हो, देखो तो स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट करो आंसर एकदम इजी, ये एकदम इजी है बाबू, चटनी है कुछ नहीं है, टोमेटो सॉस है किसान वाला बाबू, किसान का केचप है। अब क्या करा, व्हाट नंबर विल बी बाबू मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव इतना, अब बाबू करा कि इतना में 9918 00 शैतान, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करो बाबू कि यही नंबर आ जाए, है ना। इसमें बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब किस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा कि ये नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा, तो डेफिनेटली बाबू सिमिलर नंबर क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल दो, तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आप दो मेथड से निकाल सकते हो, ये लॉन्ग डिविजन मेथड है बाबू, अदरवाइज आपका क्या है, अदरवाइज नहीं तो बाबू इसको फैक्टर मेथड से करो, तो यहाँ फैक्टर से किया है ना बाबू। यहाँ पे क्या करो बाबू, लिस्ट नंबर बाबू मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब 999 में कौन से नंबर सबट्रैक्ट करो, और बाकी यहाँ से आप देख लेना बाबू, नंबर अलग है, हाँ बाबू नंबर अलग है, टाइप वही है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है बाबू, देखते हैं तो क्या क्वेश्चन में और दम है बाबू, सोल्व एग्जाम्पल 5 नंबर, हम लोग का डाउट कब क्लियर करेंगे, स्क्वायर रूट है बाबू, एक क्वेश्चन था बाबू कहाँ है शैतान मेरे, सर 22 नंबर में भी दिया हुआ है, हाँ बाबू देखो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं ना, पेज नंबर बाबू 139 का 5 बता रहे हैं, है ना, ये 5 बताने लायक है बाबू, इसीलिए इसको बता देते हैं। ठीक है ना, बाकी जो जो क्वेश्चन बताया वो हम बता देते हैं आपको, है ना, 5 बता देंगे, 12 बता देंगे, 11 बता देंगे, है ना, 11 बता देंगे। पेज नंबर बाबू ये आज इसका हम सोल्व एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं, है ना बाबू, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 138 का, तो इसमें 5 नंबर बता देते शैतान, है ना, और फिर बाबू बाकी सब बताया हुआ कॉपी में आपको अवेलेबल है ना। ठीक है, एक ये स्टार वाला बता देंगे, ये 9 वाला बाबू 9 नंबर बता देते, कल हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप है इसका सोल्यूशन करवा डालेंगे, है ना। ठीक है बाबू, तो देखो बाबू क्या करा बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जो नहीं है, जो इसका पास बुक नहीं बाबू वो, ठीक है ना, वो क्या करोगे, मेरा दिमाग खाओगे और क्या करोगे, देखो 5 नंबर क्या करा बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पेज नंबर शैतान पेज नंबर 139 है, पेज नंबर बाबू 139 क्वेश्चन नंबर बाबू 5 है, जल्दी, हाँ बाबू सर एक सब उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का 13 नंबर बस बता दीजिए। अच्छा ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ बाबू ये सोल्व एग्जांपल है, पहले बोला है सोल्व एग्जांपल है ना, तो हमको सब बताना है बाबू, ऐसा थोड़ी आपके कंपटीशन में सोल्व वाला नहीं पूछेगा, सोल्व वाला इसलिए दिया जाता है कि आप जब एक्सरसाइज बनाओ तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, इसीलिए सोल्व दिया जाता है, तो हम स्कूल तो है नहीं बाबू, हम सारे बताएंगे क्या करा बाबू, प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ बाबू प्रकाश बुक ले लीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ बाबू 2 नंबर्स, कितना दिन से क्या हो रहा था ना, प्रोडक्ट ऑफ बाबू 2 नंबर्स बाबू इज बाबू 61 बाबू 44 है ना बाबू, एंड दियर कोसेंट, एंड दियर कोसेंट बाबू, एंड दियर कोसेंट कौन बनाएगा इसको बिना बुक के देखे हुए, कौन बनाएगा बाबू, एंड दियर कोसेंट इज बाबू बना दो बिना प्रकाश, कोसेंट इज बाबू 8/3 बनाना है क्या, उसको मानना है और क्या है, नंबर को मानने में तो बन जाएगा, फाइंड देम बाबू उसको फाइंड करो, देखिए वो क्या करा क्वेश्चन, ठीक है ना, जो जो थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना है, कि आर्या समझ में आता है बाबू, आर्या प्रखर क्यों वीडियो बंद किया, तू साइड कर ली, यस ये आर्या प्रखर बाबू, यस सर बाबू इतना सारा क्यों कॉपी में नोट करना है क्या सर, अरे इसके लिए अलग सिस्टम है बाबू, शिवांगी आपको नहीं बताई है, बुक का जो भी क्वेश्चन है बाबू उसको क्लियर वाला में नहीं करना, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना, सब कंसेप्ट बर्बाद हो जाता है, बुक का जो भी क्वेश्चन है उसको अलग कॉपी में करना रहता है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ जिसमें आपको खाली क्वेश्चन रहे, पेज नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, उसका सोल्यूशन तैयार करना, आर्या प्रखर सर तो आप अभी सर आप जो भी बनवा रहे हैं सर उसको अभी कॉपी में थोड़ी लिखना सर, हम लोग तो बना चुके हैं ना, हाँ तो वो मैथे वाला में बना चुकी बाबू, फेयर में ही बना चुकी हो, यस सर,
नहीं सर दूसरे कॉपी में बनाया, दूसरे कॉपी में बनाया, फिर मैंने बनाओगे ना वो तो कांसेप्ट हॉच पॉच हो जाएगा, वहाँ सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा है ना, यहाँ सब सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा है, बीच में ये डाल। हाँ सर शिवांगी बताई थी, सर शिवांगी बताई थी। हाँ ना तो इसका इसमें एक कॉपी में क्या रहेगा, सिर्फ बुक का सोल्यूशन रहेगा है ना। देखो क्या करो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाबू 6144 दिया हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट बाबू इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दो नंबर कौन से सर, जैसे मान लो दो नंबर कुछ हो सकता है, जैसे 28 हो गया सर, 45 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करवाओ तो दो नंबर का प्रोडक्ट कुछ हो सकता है, तो नंबर तो हमको पता नहीं ना, वो जब कोई भी चीज पता नहीं है तो उसको एज्यूम करना, उसको क्या करना बाबू एज्यूम करना। तो लेट बाबू टू नंबर बाबू, लेट द बाबू टू नंबर बी एक्स एंड वाई। हाँ बाबू लेट द बाबू टू नंबर बाबू कितना हो जाएंगे, एक्स एंड वाई है ना, दो नंबर एक्स एंड वाई बाबू। अब ये दोनों का बाबू प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई बाई के वैल्यू बाबू 6144 दिया हुआ है ना, ठीक है सर। उसके बाद क्या दियर कोसेंट, दियर कोसेंट इज 8/3, कोसेंट मतलब उसका बाबू डिवाइड करो ना, डिवाइड करो ना, तो डिवाइड करो बाबू, डिवाइड करोगे तो कुछ भागफल आएंगे ना बाबू, कुछ भागफल आएंगे ना। तो मान लो बाबू इसको डिवाइड करो बाबू, एक्स डिवाइड बाई बाई, तो इसका जो भागफल आया बाबू कितना आ गया, 8/3 आ गया है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो बाबू यहाँ पे एज्यूम करना बाबू, एंड अब दो नंबर है सर, तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा ना जी, दो नंबर लोग होते हैं तो डेफिनेट दोनों बराबर नहीं होगा, एगो बड़का होगा एगो छोटा होगा है ना। तो बड़का को हमने यहाँ पे क्या रखा बाबू, ऊपर रखे हैं, तो यहाँ एज्यूम कर लेना बाबू एक्स ग्रेटर देन बाई, मान लेता मेरा एक्स क्या बाबू बड़ा है, अगर बाबू बाई को बड़ा मानोगे शैतान बाई को बड़ा, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, बाई को ऊपर रखना पड़ेगा, तब ना कोसेंट एक्स से ज्यादा आएगा शैतान मेरे, है ना, समझो ठीक है। तो यहाँ से बाबू क्या निकालो, यहाँ से बाबू आपकी आपकी वैल्यू निकालो, आंसर लाओ। अब बाबू एक इक्वेशन यहाँ आपके पास बाबू कितना अननोन हो गया, दो वेरिएबल है ना बाबू, एक दो एक सेंट बाई क्या हो गया, दो वेरिएबल हो गया, तो दो वेरिएबल बाबू यू हैव टू बाबू टू इक्वेशन है ना, तो यू हैव टू बाबू दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन है ना, सिंप्लीफाई दिस टू इक्वेशन बाबू एंड गेट द आंसर। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जिसको आता अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीखो। बनाओ अभिनय प्रकाश बाबू, अभिनय प्रकाश इसीलिए क्वेश्चन को हम बताएं, बताए तो शिवांगी थोड़ा सा दिमाग लगाए तो बाबू, शिवांगी शैतान यस सर, मुझे ऐसा वाला दो वेरिएबल नहीं आता है, दो वेरिएबल अच्छा ठीक है नहीं आता बता रहे हैं बाबू, बनाइए सतीश बाबू, लेट से क्यों आते बाबू, आप तो स्पेशल हो, बनाओ सतीश, कितना आंसर आया सतीश, बोलता भी नहीं। देखो बाबू एक इक्वेशन यहाँ सर, एक इक्वेशन यहाँ से, तो बाबू यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट कर दो ना, बाई की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो सर, तो बाई की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बाबू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बताए ना बाबू, थ्री से इधर मल्टीप्लाई कर दो सर, बाई से इधर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इधर बाई से मल्टीप्लाई कर दोगे 8y हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब बाबू 8 को इधर भेज दो, 8 को इधर भेज दो, मतलब क्या सर, 3x यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो 8 इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, बराबर बाई हो जाएंगे है ना, ठीक है सर। अब बाई की वैल्यू कितना हो गया बाबू, इसलिए बाबू बाई बराबर कितना हो गया सर, 3x/8 हो गया। अब इस बाई बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो पुट दी बाबू, यहाँ से क्या करेंगे बाबू, पुट द वैल्यू, ये सब आना चाहिए बाबू, ये सब अब इस बीच में टेंशन नहीं होना, इक्वेशन 1 2 इक्वेशन, हां बाबू पुट दी वैल्यू, क्वेश्चन उसका 48 आ रहा है, अच्छा नंबर 48 आएगा, अच्छा ठीक, पुट द वैल्यू अब बाबू बाई, हाँ सर इन इक्वेशन बाबू, इन इक्वेशन बाबू 1 में, 1 में यहाँ पे बाई बाई की वैल्यू पुट करो, आंसर ला। सारे का चेहरा उतरा हुआ है, सारे का चेहरा उतरा हुआ बाबू, तो आप लोग अपना सब दिन बच्चे जैसा पढ़ा हुआ, वो चेहरा क्यों उतरा हुआ। एक सर क्या दिया हुआ सर, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ, एक्स इंटू बाई बराबर 6144 दिया हुआ, एक्स हो गया। बाई की वैल्यू सर कितना है सर, बाई की वैल्यू इतना आती है, इसको पुट करो 3x/8 बाबू इक्वल टू 6144, यहाँ से 8 बाबू क्या डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 6144 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से 3 इधर आ जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, हाँ 3 मल्टीप्लाई में हो तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 8² बराबर कितना हो जाएगा, 6144 बाबू मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3। अच्छा x x को निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे बाबू, यहाँ बाबू क्या है 2 है तो ये इधर जाते तो स्क्वायर रूट में हो जाता बाबू, पावर 1/2 हो जाता है। यहाँ तक लिखो फिर समझाते हैं, चेहरा उतरा हुआ आर्या का सर, मेरा देखिए एक बार, ये सब आना चाहिए बाबू, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई का कांसेप्ट, डिवीजन डिवीजन का। हाँ बाबू सर सर एक बार मेरा देख लीजिए तो ठीक से,
कितना है बाबू x के वैल्यू? सर x का वैल्यू 48 आ रहा है, क्वेश्चन भी 48 आ रहा है। हाँ बाबू चलो ठीक है, मैं खुद से बनाया हूँ। वेरी गुड बाबू, अच्छी बात है। ठीक है सर। बाबू ये सब आना चाहिए यार, यहाँ पर खैर अगर नहीं आता बाबू तो क्या कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट है। चलिए बाबू समझ में आया शिवम की नहीं है बाबू? ये शिवम, शिवम बोलता नहीं है तो चल आ गया। देखो ना बोलता है ऐसे बाप से, ऐसे कैसे बोलता है तुम आ गया बाबू, ये सब करते हैं तो इसको अच्छा ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो बाबू, सिंपलीफाई करो इसको। सर इसका आ जाएगा 2304 और x इक्वल टू रूट 2304 इक्वल टू 48। अरे शैतान मत, मामला आप गड़बड़ कर रहे हो तो बाबू। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको सिंपलीफाई करो बाबू, 128 आएंगे इसको सिंपलीफाई करके। क्या करो 6144 बाबू मल्टीप्लाई बाबू 8 करोगे 49152 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा सर 49152 आ जाएगा 49152 और डिवाइड बाय 3 करना, डिवाइड बाय 3 करना, देखो डिवाइड 3 करके देखो बाबू। सर यहाँ पे आ रहा है 2028 × 8। अरे 49152 को 3 से डिवाइड करवाओ तो कितना आ जाएंगे 49152। अरे शैतान रोको ना, ये आ जाएंगे 163684 आ जाएगा ठीक है ना, 16000 बाबू ये आ जाएंगे 16000 बाबू 384 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 16384 बाबू 16384 का वैल्यू यहाँ से निकालना। सबका वीडियो ऑन, ए शिवांगी क्या कर रही है बाबू, नहीं तो बुक का सोल्यूशन नहीं करवा देंगे, छोड़ देंगे आगे पढ़ाएंगे हम लोग। सर बुक ही देख रहे हैं सर, आप 1638 उसके बाद क्या लिख रहे हैं 384 है शैतान, सौम्या 384 है, 16384 है बाबू। जिसके जिसके पास बुक नहीं कृपया करें आज किसी तरह से बुक खरीद ले, अगर नहीं खरीदने में संभव है तो जो पेज भेजे उसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना उसके बाद उसका प्रिंट निकालना, और डायरेक्ट पेज का निकालोगे ना तो नाक मुंह कुछ नहीं दिखाई देगा। सर नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अब यह सब नहीं आता बाबू तो कैसे क्या हो जाएगा, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बता चुके हैं स्क्वायर रूट टू रूट का। ठीक है बाबू तो कितना है सर, एक स्क्वायर बराबर इतना हुआ ना शैतान, देखो क्या है एक स्क्वायर बराबर 16000 बाबू 384 है, तो ये बाबू यहाँ स्क्वायर है ना तो इसको इस साइड भेज तो बहुत स्क्वायर रूट हो जाए, यह ध्यान देना बाबू यहाँ कंसेप्ट है, कहीं भी पावर मान लो 3 है, अच्छा ठीक है बाबू कहीं भी पावर 3 है सर, 3 है ना बाबू, इस 3 को अगर इधर भेज तो बाबू ठीक है ना, तो ये पावर कितना हो जाएगा 1/3 निकल जाता है, यहाँ पावर 3 तो पावर 1/3, 1/3 पावर को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं बाबू 3 हो जाता है ना, मतलब क्या सर जब भी बाबू इधर पावर जो रहेगा वहां से एक्स की वैल्यू निकालो बाबू तो यहाँ जो रहेगा वही यहाँ लिख देना, और अंदर अंदर जो नंबर रहेगा यहाँ मान लो 3 है तो 3 हो जाएगा है ना सर, यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता बाबू तो यहाँ क्या आ जाता 2 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, मतलब जो भी इधर पावर रहेगा ना उसको राइट साइड ट्रांसफर करते तो वो रेडिकल साइन में चल जाता है ना, रेडिकल साइन में चल जाता है ना बाबू, नहीं समझ में आया, अरे शैतान देखो
लोग कैसे पढ़े हो इतना दिन जिंदगी में बाबू। देखो बाबू जैसे जैसे क्या सर एक्स स्क्वायर है बराबर फाइव है तो एक्स बराबर क्या लिखोगे तो ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चल जाएगा स्क्वायर रूट फाइव हो जाएगा ठीक। या बाबू जैसे सर एक्स के पावर क्यूब इक्वल टू मान लो सेवन है तो इस पावर को यहाँ से हम क्यूब हटाना चाहते हैं क्यूब हटाना चाहते तो क्यूब क्यूब हटाएगा तो कैसे हो जाएगा यहाँ से क्यूब हटा दो तो अब ये इधर भेजोगे ना तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा क्यूब रूट सेवन आ जाएगा मतलब ये इधर से जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा सेवन अंदर है सेवन ले लो। या बाबू जैसे एक्स के पावर क्या बाबू फिफ्थ है इक्वल टू मान लो बाबू नाइन है तो ये फिफ्थ को इधर जाओगे ना बाबू फिफ्थ को इधर भेजोगे तो ये ऐसे बन जाएगा कैसे बन जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ नाइन बन जाएगा ये फिफ्थ रूट ऑफ नाइन बन जाएगा है ना ठीक है ना। ये बाबू इस तरह से होता है ना ठीक है बाबू है ना। तो उसी प्रकार बाबू जब यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू वन बाबू 16384। अब इसका बाबू जब आप स्क्वायर रूट निकालने चलो बाबू तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 128 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट की निकालो ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन है ना तो 184 हो गया है ना बाबू 128 हो गया तो एक नंबर आपका 128 आ गया। सेकेंड नंबर क्या आएगा सर सेकेंड नंबर बाबू दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कितना 16,644 दिया तो 128 से इसको डिवाइड करो 48 आएगा सर। हाँ बाबू 48 आएगा पता नहीं बाबू हमको रोना आ रहा है क्या करे सर प्रकाशी कहा नहीं समझ में आ रहा बाबू प्रकाशी कहा नहीं समझ में आ रहा है बैठे हुए सुनसान सिंस बाबू x बाई इक्वल टू कितना बाबू 16,144 दिया हुआ 6,144 दिया हुआ है ना बाबू तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करो ना बाबू 128 सर इंटू बाई इक्वल टू कितना हुआ 6,144 यहाँ से 128 को इधर भेजो तो बाई की वैल्यू निकालो। ए बाबू क्या पढ़ाए ना पढ़ाए समझ में नहीं आ रहा आप लोग एकदम पढ़ भी नहीं करता ना हम बोले थे क्वेश्चन बनाया प्रकाशी बने भी नहीं किया आज इसको कट करवाओ तो 28 टाइम्स में आ जाएंगे तो बाई की वैल्यू कितना हो गया बाबू 28 हो गया तो देखो ना क्या कर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 128 मल्टीप्लाई 128 करो देखो 6,144 आता है कि नहीं आता है ये क्वेश्चन बनाने लायक था बताने लायक था बाबू। ए यार ये क्यों चेहरा उदास किया बाबू दम देख के रोना आ रहा है कहां उदास तो क्यों नहीं एक्सरसाइज बनाई इतनी उदास क्यों तो सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। हां बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही है ना आ रहा है शाम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत है बाबू फैक्टराइजेशन वाला क्लास वाला संभाला कर लेगा सर। आप शाम वाला क्लास में ये सिखा रहे हैं सर ये जो अभी आप जिस टाइप का क्वेश्चन करवाए बाबू सब सिखाएंगे टेंशन का लेते हो धीरे धीरे आएगा ना एक दिन सर। देखिए मैंने बनाया था आपने बाबू बना तो दिया लेकिन गलती बुक में जैसे बनाया वैसे बना दिया बुक में बाबू उल्टा कर दिया ठीक है ना। नहीं सर मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्या करे बाबू सब पढ़ाते बाबू मिसिंग डिजिट निकालना है नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट नंबर क्या करे जल्दी से लिखो सर वो मेरा देख लीजिए ना वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू शिवानी सबका चेहरा उदास एकदम मैंने क्या हो गया आपको हमको समझ में नहीं आता। अभिनय प्रकाश बनाया बाबू एक्सरसाइज अभिनय प्रकाश ये भी नहीं बनाया सर बनाया बनाया होता क्वेश्चन बनाया था नो सर बहुत 15-20 दिन पहले ही बोले थे कि एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए बना के दिखाओ तो कौन बनाता है 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू पेज नंबर शैतान कितना 139 है क्या करे बाबू 1488 है ठीक है यहाँ पे स्टार है तो स्टार के जगह क्या डालोगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा बाबू यहाँ पे स्टार के जगह क्या डालोगे बाबू कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जल्दी से बनाओ इसको। यहाँ पे बाबू क्या मान लो ना एक बॉक्स है तो इस बॉक्स में क्या कौन सा डिजिट भरोगा कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 1488 जिससे नहीं बना बाबू उसको बहुत मार मारेंगे उसके पापा ही फोन कर देंगे पहले तो शर्मा जी के पापा ही फोन करेंगे 1488 यहाँ बॉक्स एक बना हुआ है यहाँ स्टार्ट करो तो यहाँ पे क्या डालोगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा माइंड यूज करो बनाओ जल्दी
बनाया आर्या प्रखर बाबू, ये सबको साफ सुन गया आज तो। प्रखर वीडियो ऑन करो, प्रखर बाबू जब बुक आपके पास आई तो वीडियो क्यों, प्रखर जानती हो ना सीरियस रहवे नहीं करती है, तब इसके मम्मी बोलती है सर एक घंटा पढ़ेगी तो चार बार फोन करेगी, कभी चैट करेगी कभी ये करेगी, देखो ना सुन भी ना रहे, ढीठ है एकदम ढीठ है। सुन रही हूँ सर यही बोल। तो सुन रही तो कहाँ चैटिंग कर रही हो, किससे चैट कर रही हो बता, आर्या को भी बताओ। चैट कर रही हूँ सर। तो वीडियो कैसे बंद हो गया, चैट कर रही हो तो ना बंद हो गया। सर ऑन तो करके सर बॉडी देख रही थी सर उस टाइम से, सर आप समझा रहे थे तो सर इधर से। हाँ तो ऑन करके सर, मेरा ऑन है सर इधर से। अच्छा ठीक है, ठीक है ऑन है, ठीक है मानते हैं। एक बार मम्मी को डायरेक्ट कॉल करेंगे, कहेंगे देखे तो उसका वीडियो ऑन है। कल चौरसिया जी के पापा ही कॉल किए एकदम सर एकदम ठीक दिए, जहाँ जो एब्सेंट हो गए होमवर्क ना बना एकदम सीधे एकदम कॉल कीजिए तुरंत, तो इसका पापा जी फोन लगा है ना चौरसिया बाबू। सर बना लिया सर, बनाओ चौरसिया बाबू। चौरसिया हाँ सर बनाइए ना बाबू जल्दी से, अरे हमारे बच्चे सब बना लेते हैं सर, करना क्या डालो। अरे बाबू यहाँ यहाँ पे बाबू एक नंबर भरना है बाबू, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है, यहाँ एक नंबर कौन सा नंबर भरोगे परफेक्ट सर, ऐसे सर नहीं किया हूँ सर, मेरा भी हो गया। दिखा बाबू अभिनय प्रकाश, क्या नहीं किया चौरस बाबू की, आप इतने बड़े हो गए बाबू, ये सब बच्चा वाला चीज में दिक्कत सर, ऐसा सब नहीं किया हूँ मैं, इतना दिन तक क्या किया आप जैसे पढ़े ये पढ़े, ऐसा मतलब बोले नहीं स्कूल में, मतलब ऐसा कभी पढ़ाए नहीं स्कूल में। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है अभिनव प्रकाश, देखे तो आपके सामने बच्चे बना रहे हैं ना बाबू, नहीं पढ़ाया गया तो क्या नहीं पढ़ाते, उसमें मेरी गलती क्या है सर। सर बन गया देख रहे अभिनव प्रकाश कह रहा है हम ही पढ़, अरे शैतान यहाँ पे क्या फिलअप करते थे सर, इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालो है ना, तो कैसे ये देखो बाबू दो डिजिट छाटो, मेरी गलती क्या है, यहाँ से पेयर करो फैक्टराइजेशन बताया, यहाँ से पेयर करो तो वन टाइम्स बाबू यहाँ वन आ जाएगा यहाँ टू आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा जीरो हो जाएगा, लेस्ट डबल पेयर उठारो फोर डबल एट हो गया। ठीक है अब बाबू 48 हो गया, तो यहाँ कौन से नंबर लिखेंगे बाबू की 48 से कम हो गए, टू लिखोगे यहाँ टू लिखोगे यहाँ 42 हो जाएगा यहाँ 24 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू ये डिजिट उठा रहे 8 हो गया, और यहाँ बॉक्स है बाबू बॉक्स डालो है ना, तो पहले बार में कितना आया सर 1 आया, फर्स्ट टाइम बाबू 1 आया, सेकंड टाइम में कितना सर 2 से किया तो 2 हो गया। अब बाबू इस बॉक्स के जगह बाबू क्या रखें, क्या रखें इस बॉक्स में नंबर, कौन सा नंबर डाले बाबू है ना, कि मेरा बाबू एग्जैक्ट डिविजुअल हो जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। इस बॉक्स में आपको एक नंबर डालना बाबू कि जिसको 200 यहाँ भी आपको पता नहीं है ना, तो अपने मन से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 24 है ना, तो यहाँ एक नंबर लो है ना, इस नंबर का 2 टाइम्स यहाँ होना चाहिए, इस नंबर का 2 टाइम्स यहाँ होना चाहिए, उसके बाद सबट्रैक्ट करो तो 0 आ जाए। तो देखो अगर 1 लेते हो शैतान 241 लेते हो तो इसका 2 इसको बाबू यहाँ क्या करो फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 241 ही आएगा ना शैतान मेरे, तो 0 होगा नहीं होगा। 2 लेके देखो 2 लेके देखो 2 लेके देखो, तो यहाँ अगर 2 लेते बाबू है ना, तो यहाँ 2 से यहाँ 2 ऐसे लिखोगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर, और ये 8 हो गया बाबू, आई 4 हो गया, मतलब क्या सर 48 हो रहा है, तो यही डिजिट है घट रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएंगे है ना बाबू, तो लास्ट में ये आपका कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ गया, ये 4 टाइम्स सबट्रैक्ट करके 0 आ गया, तो आंसर बॉक्स में कितना आ जाएंगे बाबू 4 आ जाएंगे, 4 आएगा तभी ना एक परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर 0 बचेगा बाबू, 4 आएगा तभी ना रिमाइंडर 0 बचेगा, तो सोचना था सर ऐसे ही होगा ना सर, काहे नहीं सोचे शिवांगे बना ली थी सर, ठीक है सौम्या ठीक है ठीक है, वो सोच ली बहुत बढ़िया सर, आप इस साइड प्लस करके नहीं लिखे, अरे ठीक है शैतान लिख दो 244, ये सब पे तो ध्यान देगी समझ में आया, आ रहे थे कि मेरा बन गया तो आप ध्यान ही नहीं दिए। अच्छा बाप कहना कि अभिनव प्रकाश बोल रहा है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या करा बाबू, ऑफ द 3 नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बाबू, 3 वो नंबर है सर,
तीन को नंबर उसमें बहुत पहला दूसरा का प्रोडक्ट दिया, दूसरा तीसरा का प्रोडक्ट दिया, तीसरा चौथा का प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो आपको नंबर फाइंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, समझाते हैं क्वेश्चन आप लोग को, हम समझा देते हैं, आप बनाने की कोशिश करना। समझ में आया चौरसिया बाबू की नहीं आया? चौरसिया आया सर। बाबू आप लोग कौन एजुकेशन हासिल किए हो इतना दिन में? देखो पेज ना, अरे ये लेट के पढ़ रही है सर। हाँ बाबू उसको आते ना हिसाब किताब संडे को करते ना, उसको अभी बहुत मार मारेंगे। पेज नंबर बाबू 140 है सर। चौरसिया चौरसिया बाबू, क्या बाबू, क्या सेवा सौम्या? बाबू चौरसिया जी हमारे फिफ्थ क्लास में 11 नंबर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन समझे बाबू, कौन सी क्लास में? अरे छोड़ो ना बाबू, कोई क्लास में रहे। देखो हमेशा ध्यान देना बाबू, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, ठीक है ना? एक बार बाबू हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने सरकार जाती क्लास चलाया था बाबू, कौन सा अथी ये इसको क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, माने ओल्ड एज का क्लास चलाया था। नाइट में विलेज में नाइट में बाबू क्लास चलते थे, दिन में तो बेचारा किसान सब खेती करता था, तो जो एजेड थे बाबू जो पढ़ना चाहते थे उसको नाइट में क्लास चलता था, आंगनबाड़ी वाला जो होता है ना बाबू वो सब लेती थी, है ना? ठीक है ना, नाइट में चलता था क्लास 8 बजे से 9 बजे तक, है ना बाबू? ठीक है, तो पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, जब आपके आपके साथ आपके मम्मी पापा नहीं पढ़ सकते, क्या क्या दिक्कत है? सीखने का कोई उम्र नहीं होता वो, है ना? तो किसी कोई क्लास में रहे उससे हमको नहीं मतलब, वो हम यहाँ सिखा रहे हैं, यहाँ सिखा रहे हैं। वीडियो शो रहा है सर, उनका नेट खराब है। अच्छा ठीक है, नेट बाबू क्या करवाओ की मान लो बाबू 3 नंबर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है 3 नंबर आपके पास है सर, नंबर पता नहीं है, नंबर पता नहीं है, नहीं ठीक है ना, लेकिन स्टेटमेंट क्या है बाबू आपके पास 3 गो नंबर, कोई 3 गो नंबर है तो कुछ मान लो ए बी सी मान लो एक्स वाई जेड मान लो पी क्यू आर मान लो, है ना, सौम्या शिवानी शिवांगी मान लो 3 गो किसी को मान लो, ठीक है सर। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कर सर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, मतलब क्या सर, ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपको दिया बाबू, ठीक है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया बाबू 42 दिया हुआ, ठीक है, फिर बी सी इस दोनों नंबर का बहु सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट दिया बहु, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट दिया बहु, प्रोडक्ट की वैल्यू दिया बहु 56 दिया हुआ। नेक्स्ट बहु थर्ड और फर्स्ट के साथ, थर्ड और फर्स्ट के साथ बहु मतलब क्या सर, सी मल्टीप्लाई ए इसका प्रोडक्ट दिया बहु 48 का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा बाबू एबीसी की वैल्यू निकालिए, देखो शैतान क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन देखो पढ़ के सुना देते आप लोग, बुक नहीं रखे होता, क्या कह रहा बाबू, ऑफ द 3 नंबर, देख सर देखो सर देखो 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 यहाँ पे क्या कर बाबू, ऑफ द 3 नंबर फोकस किया, दिख रहा है, दिख रहा है, पढ़िए आप लोग, जिसको नहीं दिख रहा वो पढ़िए आप लोग, जो मन से पढ़ो पढ़ो मन से, ऑफ 3 नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 42, दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज 56 एंड दैट ऑफ द थर्ड एंड फर्स्ट इज 48, फाइंड द नंबर, फर्स्ट इज 48, फाइंड द नंबर। अरे चौरसिया बाबू, हाँ सर, चलो ठीक है, तो यही कह रहा बाबू क्वेश्चन में कह रहा बाबू 3 को आपके पास नंबर है सर, तो नंबर के बारे में पता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा बाबू कि पहला दूसरा का प्रोडक्ट सर, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट 42 दिया हुआ सर, सेकंड थर्ड का सर प्रोडक्ट 56 दिया हुआ, और थर्ड और फर्स्ट के साथ बाबू प्रोडक्ट कितना दिया बाबू 48 दिया। तो अब कह रहा बाबू कि ये तीनों नंबर जो था ना सर, तीनों नंबर था ना, उस नंबर की वैल्यू निकालो, कैसे निकालो, कैसे निकालोगे? तो हमारे पास बाबू कितना वेरिएबल है सर, 3 वेरिएबल ए बी सी है, ए बी सी है, और 3 इक्वेशन है सर, 3 इक्वेशन है, तो इसको 2 तरह से बना सकते हो बाबू, यहाँ इसको 2 तरह से बना सकते हो, एक आपका बुक में जैसे बनाया वो बना देते हैं, वो सेकंड मेथड से बता देंगे। देखो बाबू यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, क्या निकालो चेतन, एबीसी की वैल्यू निकालना, कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे बाबू, आज भर टाइम है आप सारे का सारे क्वेश्चन बना डालना, ठीक है ना, कल से क्वेश्चन उसे नहीं लिखेंगे, जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन डाला हुआ पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करना, गूगल में जाके आप प्रिंट निकाल लेना, 10-12 पेज है बाबू, दोनों साइड निकालोगे तो 25-30 रुपया लगेगा, ऐसे तो 1 रुपया पेज लेना चाहिए बाबू, लेकिन आप लोग को पता हमको नहीं है आप लोग के साइड साइड क्या करता नहीं करता। कौन कौन क्वेश्चन बनाया है, कौन कौन बनाया, कोई नहीं बनाया जी, बनाया शिवम, शिवम चलिए ठीक है बाबू, बाबू देखो क्या करा बाबू, क्या करा कि बाबू देखो यहां से हमको एबीसी की वैल्यू निकालना, तो पहले बाबू क्या करो, यहां से कोई मतलब तीनों इक्वेशन यूज करके बाबू, तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से सी की वैल्यू कितना होगा सर, सी बराबर क्या लिखेंगे सर बताओ बाबू, सी बराबर क्या लिखेंगे, 40
एट अपॉन ए नहीं लिखेंगे, यहाँ से ए को इधर भेजो ना, तो मल्टीप्लाई में तो ए क्या डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझो कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, पहले समझिए बाबू, सारे के सारे स्टूडेंट समझिए है ना, उसके बाद हम समझ में आ जाएगा ना, तो अपने कर सकते हो। समझो प्रकाश सिंह खाली इधर उधर करता है, देखो बाबू यहाँ से हमने क्या किया सर, सी की वैल्यू निकाल लिया, तो जो ए है उसको इधर भेज दो, तो ये हो गया। ठीक है सर, अभी सी बराबर बाबू सी की जो वैल्यू इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सी की जो यहाँ वैल्यू है ना बाबू इक्वेशन टू में पुट कर दो, है ना बाबू, पुट द वैल्यू बाबू, क्या करेंगे बाबू, पुट द वैल्यू बाबू, पुट द वैल्यू बाबू किसका, सी सी इन इक्वेशन, इन इक्वेशन बाबू, पहले शैतान पहले समझ लो ना, इन इक्वेशन टू में, तो यहाँ पे बाबू इक्वेशन टू क्या सर, बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू 56 है, तो सी बराबर क्या सर 48 बाई ए है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 48 बाई ए हो जाएगा, इक्वल टू कितना 56 हो जाएगा। अब बाबू इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, तो ए इधर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ए यहाँ डिवीजन है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई 48 बराबर कितना हो जाएगा 56 इंटू ए हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 48 है, 48 को इधर भेजो तो डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई ए अपॉन कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू निकल गया सर, तो बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो ना, इसमें पुट कर दो, वहां से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या करना है पुट करते जाना ना बाबू, पुट दी वैल्यू आप, अरे लिख लेना शैतान, क्यों प्रिंटिंग प्रेस खोलने में परेशान हो, बाद में जाकर शादी विवाह का कार्ड छापना प्रिंटिंग प्रेस अभी खोलोगे तो। ठीक है, पुट दी वैल्यू बाबू, पुट दी वैल्यू, वैल्यू ऑफ बाबू बी कहां सर, कहां सर, इन इक्वेशन बाबू, इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है सर, ए मल्टीप्लाई बी है इक्वल टू कितना है सर 42 है, ये तो है ही है सर, b की वैल्यू कितना है सर, ये है ना b बराबर ये है ना, तो यहाँ b बराबर e वाला वैल्यू रखो ना, e वाला वैल्यू रखो ना सारे के सारे, ठीक है ना, तो b बराबर इतना है सर, तो इसको रखो 56 मल्टीप्लाई बाबू a अपॉन कितना हो जाएगा 48 है, तो 48 हो गया। अरे b बराबर जो इतना है इसको हम यहाँ पे रख दिए, समझ है ना बाबू, समझ में आया। ठीक है सर, हम वहां तो वहां को उठा के रख सकते हैं, सौम्या को दादी हर से नानी घर में जाके लेके जा सकते हैं, वो चेंज नहीं होता, तो भाई लोग तो रखने से बाबू उसका मान चेंज नहीं होता, इक्वल टू 42 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे सर, जो डिजिट है जो कॉन्स्टेंट है उसको उधर भेजो, तो 41 हाँ बहुत, ए मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई ए 48 इधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो किसमें होगा मल्टीप्लाई में जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 48 है ना। नेक्स्ट बाबू यहाँ 56 क्या सर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा ए मल्टीप्लाई ए, तब 42 मल्टीप्लाई 48 और डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में होता, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब ए मल्टीप्लाई ए व्हाट सर, ए स्क्वायर, यहाँ तक आप राइट डाउन करो आपका, ठीक है प्रिंटिंग प्रेस अब खोलिए, खोलिए अपना अपना प्रिंटिंग प्रेस बाबू, जल्दी खोलिए थोड़ा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 36 आएगा और a इक्वल टू 6 आ जाएगा। हाँ बाबू 6 आ जाएंगे, तो ये तीनों नंबर निकालना है, बीसी की वैल्यू निकालना, खोलो प्रकाश शिवम बाबू प्रिंटिंग प्रेस खोलिए अपना, समझ में आ रहा प्रकाश, अभिनय प्रकाश, अभिनय प्रकाश बाबू, यस सर, तो बनाया था क्वेश्चन, नहीं बनाया था बाबू, जल्दी लिखो बाबू, आर्या क्यों चेहरा मुस्का, समझ में नहीं आया आर्या, यहाँ पे नहीं आया कि यहाँ पे नहीं आया, कहीं नहीं आया सर, अनम्यूट करोगी तो ना बोलोगी सर, आया है समझ में, अच्छा चलिए, तो ये सब अलग पे अलग कॉपी में कंसेप्ट वाला में मत अप्लाई करना, मैथ के फेयर कॉपी में, इसको अलग कॉपी बनाना, उसमें सिर्फ क्या रहेगा बुक का, सिर्फ खाली सोल्यूशन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1-2 मैंने पूरे रहेगा, पूरे बुक का सोल्यूशन, ताकि भविष्य में आपको पढ़ाने की जरूरत पड़े, तो यही से पढ़ाओगे ना, यही से पढ़ा के फिर आप स्टार बनोगे। देखो पटना में होता था क्या होता था बाबू, जैसे बाहर जाओगे ना हायर एजुकेशन में, तो एक टीचर स्टार हो गया, स्टार कहने का मतलब जिसके यहाँ 500,000 एक बार में 500,000-1,000 स्टूडेंट पढ़ते थे पटना में, बड़ा बड़ा हॉल रहता था तो उसको स्टार कहते थे, एक बार में उसका कमाई होता था करोड़ों में, ठीक है ना, एक स्टूडेंट से 10,000 फीस देते थे हम लोग, 10,000-15,000 जितना जिसको लूटने का मन लूट लेते थे, और एक बार में 1,000 स्टूडेंट बैठ रहा, बहुत बड़ा हॉल होता था, सिनेमा हॉल से भी बड़ा, तो उसमें जो टीचर स्टार हो गया था,
नहीं हम पढ़ते थे जो हम बता रहे हैं। अब आ रिया देखो प्रखर का वीडियो ऑन हो गया, देखो मैंने कहानी में तो इसका वीडियो ऑन हो जाता है। अच्छा ठीक है बाद में गोल मोटर बात करेंगे, पहले इसको अच्छी करो। हमारे प्रखर को बातें सुनने में मजा आता है। लिख लिए। हाँ बाबू सर अच्छा ठीक है इसको सिंपलीफाई भी करना, 42 48 और 56 इसको सिंपलीफाई करो ना, टेंशन मेंशन करो ना, देखो ना सर ए इक्वल 66 आएगा। हां बाबू इसको सिंपलीफाई करो ना, 2 से इसको काटो सर, है ना बाबू, और फिर बाबू इसको 4 से काटो सर, ऐसे उसे काट उठ के देखो ना, सिंपलीफाई करो शिवम अपने प्रकाश बाबू, प्रकाश से सिंपलीफाई कीजिए सारे के सारे। क्या कर रहे हो सोनिया, कहां कर रही हो? अच्छा इसको सिंपलीफाई करना, उधर नहीं करना। नहीं सर मैं उधर ना थोड़ा खाने का बात कर रही थी। हाँ सिंपलीफाई कौन करेगा, जल्दी कीजिए सोम्या। जल्दी करो बाबू टाइम भी हो गया, आप लोग कैसे थोड़ी ना प्रिंटिंग प्रेस खोल दिए थे जब आप समझा रहे थे, अभी लिखने दीजिए अच्छे से बाबू, काफी में काफी में ड्रॉप लोग ईमानदार नहीं रहते तो आपको नंबर फाइंड करना। सर b इक्वल टू 7 हो जाएगा। हाँ बाबू दो मिनट में वीडियो बंद होंगे सर, चलिए ठीक है। और c की वैल्यू निकालिए सर, c की वैल्यू 8 हो जाएगा। वेरी गुड बाबू, इसके बाद हम लोग बाबू यहाँ लिख लेते हैं इसको सिंपलीफाई करो बाबू, a मल्टीप्लाई a सर, इसको कट करो बाबू, ये 42 हो गया सर, 48 हो गया सर, 56 हो गया, इसको कैसे कट करोगे सर, चार से कट करो बाबू तो 14 से बाबू 56, चार से कट करो 12, आई 4 से कट करो 3 टाइम्स में 14 से 3 टाइम्स में 42 हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए व्हाट सर, ए स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 3 36 तो इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है ये बाबू, स्क्वायर रूट 36 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है यहाँ बाबू आप लोग जैसे आप थोड़ा सा और लेवल राइज करोगे ना, तो एक जब स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालोगे तब प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, थोड़ा सा लेवल राइज करोगे, अभी आप लोग को तो समझ में नहीं आएगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, तो चलो बाद में भविष्य में कभी बता देंगे, 8-9 में जाओगे ना तो बता देंगे, है ना। ठीक है सर, ए की वैल्यू कितना आएगा बाबू, 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, अब ए की वैल्यू 6 आया तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकालो, जल्दी से लिखो बाबू। सर बी का वैल्यू 7 होगा। फिर से आप लोग कनेक्ट कीजिए बाबू, खत्म हो गया क्लास, से एक मिनट में एंड हो जाएगा, लेफ्ट हो जाए। अरे नहीं सर, फिर हमको कनेक्ट होने में दिक्कत हो।